तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। खास करके 9वीं 11वीं के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। दोस्तों, कई सारे विद्यार्थी ये भी कॉमेंट कर रहे हैं कि सर 10वीं और 12वीं वालों का जो है एग्जाम्स होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि 10वीं और 12वीं वालों का एग्जाम जो है होकर रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका जो परीक्षा फॉर्म और आपका पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम डेट जो है एक्सटेंड हुआ है। आप लोगों का लगभग जो है 20 से 25 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है और आपका 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों का डेट शीट भी जारी होने को चांस बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मैं पूरी जानकारी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। 9वीं 11वीं के विद्यार्थी खास करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद नाथी यानी जैक बोर्ड की तरफ से अपडेट जारी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि सत्र 2021-23 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित एवं स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का होना है और आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसका डेट एक्सटेंड हुआ है, यानी कि 10वीं और 12वीं का वालों का भी एग्जाम अब होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एतत् द्वारा विज्ञापित संख्या 46/2021 देख सकते हैं, 45/2021, 47/2021, 49/2021 और 50/2021, यानी कि ये जो क्रम संख्या दिया गया है इतना जो है नोटिफिकेशन आपके बोर्ड से रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, कि क्रम में सत्र 2021-23 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित एवं स्वतंत्र छात्र छात्रों विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु परीक्षा पत्र तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि निम्नलिखित रूप से विस्तारित की जाती है। तो निम्नलिखित रूप से विस्तारित की जाती है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 9वीं 10वीं के साथ साथ जो मैं इंटर और यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का जो है डेट एक्सटेंड हुआ है। चाहे 2022 में बोर्ड एग्जाम शामिल होंगे आप लोग या 2023 में आप मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पंजीकृत करने के लिए जो है यानी कि माध्यमिक यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए सॉरी मैट्रिक के लिए सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए जो है आप लोग जो पंजीयन करेंगे आपका जो परीक्षा फॉर्म जो भराएगा उसको लेकर अपडेट दिया गया है कि आपका जो विलंब शुल्क के साथ होगा वो 3/1/2022 तक होगा। ठीक है, 3/1/2022 तक आप लोग जो है यानी 3 जनवरी तक जो है आप लोग विलंब शुल्क के साथ जो है परीक्षा फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो अप्रूव करने की जो तिथि है वो 4/1/2022 है और उसके बाद चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि जो है 5/1/2022 है और चालान माध्यमिक बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/1/2022 यानी कि 7 जनवरी तक जो है ये फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बच्चे जो है 3 जनवरी 2022 तक यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास मात्र 3 तारीख तक जो है बिना विलंब शुल्क के साथ जो है आप लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके आगे आप भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है विलंब शुल्क के साथ जो है परीक्षा फॉर्म की जो है भराया जाएगा, विलंब शुल्क आपको लगेगा। देखिए यहां पे देख सकते हैं विलंब शुल्क के साथ जो दिया गया है कि 6/1/2022 से 11/1/2022 तक यानी कि 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंटरमीडिएट के बारे में देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट वालों का भी क्या दिया है। देख सकते हैं कि इंटर परीक्षा के लिए पंजीकृत के लिए देखिए तो इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए जो है विलंब शुल्क के साथ जो है 3 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, विलंब शुल्क के साथ और आपका वही प्रक्रिया रहेगा जो कि चालान जनरेट करने के माध्यम से जो है बैंक के में द्वारा, तो वो 7 जनवरी तक रहेगा। और दोस्तों विलंब शुल्क के साथ इंटरमीडिएट वाला ध्यान दीजिएगा, विलंब शुल्क के साथ जो है 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आप लोग परीक्षा फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का इस बार जो परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं वालों का, ठीक है, 10वीं और 12वीं वालों का जो है बोर्ड एग्जाम्स होगी 20 से 25 दिन में आप लोगों का एग्जाम्स ले लिया जाएगा और दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर जो है आप लोगों का डेट शीट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मिल सके।